पक्षी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, इस जन्म में तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं। विद्यार्थी हूं मैं तुम जैसे धोखेबाजों का, डीसीपी विद्यार्थी। हेलो, मुंबई टुडे। हाँ, मुझे तरुण विज से बात करनी है। डीसीपी विद्यार्थी बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक ऑफेंस सेल से। तरुण, हाय। विद्यार्थी, तुम्हारे लिए एक सनसनीखेज खबर है। तुम्हें याद होगा सिद्धार्थ बख्शी, जो अमर जेटली की बीवी की जमानत करा के गायब हो गया था। सोचा तुम्हें शायद उसके पते की जरूरत हो। हाँ, लिख लो। A212 19th Road, near Western Express Highway. Okay. Not at all. Those sote kis liye? Okay, take care. हेलो, मिसेस बख्शी। हाँ, बोल रही हूँ। जी, मैं डीसीपी विद्यार्थी बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए इंस्पेक्टर। सॉरी, मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका अमर जेटली के केस से कोई लेने देना नहीं है। आप लोग हालात के शिकार हैं, एंड आई रियली सिंपथाइज विद यू। एनीवेज मैम, आप इन पत्रकारों को तो जानती हैं, इन्हें सिर्फ अपने कॉलम भरने से मतलब होता है, और ये लोग सूंघते सूंघते कहीं भी पहुंच जाते हैं। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि इन्हें आपके बेटे सिद्धार्थ के ठिकाने की खबर लगी है। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, खामखा आपको तकलीफ होगी। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर, अच्छा किया कि आपने मुझे बता दिया। नॉट एट ऑल मैम, यू मोस्ट वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। मदन विद्यार्थी, मैंने अभी अभी पम्मी बख्शी को फोन किया है, वो अपने बेटे सिद्धार्थ बख्शी को आगाह करेगी। इससे पहले कि सिद्धार्थ बख्शी यहां से निकले, मैं चाहता हूं तुम यहां पहुंचो, या क्विक। उस पे नजर रखो, कहां जाता है, क्या करता है, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। सिद्धार्थ बख्शी ही हमें अमर जेटली तक पहुंचा सकता है। ओके, चलो। क्या हुआ भाभी, कुछ पता चला यश अंकल से? क्या कहा उन्होंने? क्या वो जानते हैं कुछ भैया और सिद्धार्थ बख्शी के बारे में? नहीं राखी, वो तो खुद ही हैरान थे कि एक अजनबी होते हुए भी सिद्धार्थ बख्शी हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है। तो भैया और सिद्धार्थ बख्शी के बीच कोई रिश्ता? उन्हें तो कुछ नहीं पता ऐसे रिश्ते के बारे में, पर उन्होंने कहा कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं तुम्हारे भैया के बारे में जो वो खुद नहीं जानते। अब हमारे सारे सवालों का जवाब सिर्फ सिद्धार्थ बख्शी दे सकता है। हाँ, लेकिन हम उसे ढूंढे कैसे? इंतजार करना होगा, और क्या, या फिर उस अंतर्यामी आवाज का फोन कॉल ही कोई रास्ता दिखाएगा। लेकिन उस आवाज का इस सब से क्या लेना देना है? कौन वो है? कोई भला आदमी जो हमारी मदद तो करना चाहता है, लेकिन खुद किसी मुश्किल में नहीं फंसना चाहता। भाभी हौसला नहीं हारते, हमें जल्दी कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। मामा, मैं भाभी से कह रही थी कि रोज रेस्टोरेंट में इतना अच्छा खाना सर्व करवाते करवाते इन्हें टेम्पटेशन नहीं होती होगी क्या? हाँ, पर अब तो आदत सी पड़ गई है। वैसे आज इतना टायरिंग डे था ना, इतने सारे गेस्ट आए थे कि पूछे ही मत।
खाना लग गया है, चलो